तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स थोड़ा हैगा इंटरैक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। गामा रेज जेड़िया ने एज यू नो कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन ने, ठीक है, ये मोस्टली क्योंकि न्यूक्लियर रीजन ने न्यूक्लियर रिएक्शन के गामा रेज असी जो मोस्टली पढ़िया लास्ट सेमेस्टर के भी, तो मोस्ट एनर्जैटिक गाम इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन ने बहुत ज़्यादा एनर्जी होंगी इन्हों के कोल। इन्हों की एनर्जी के अकॉर्डिंग फिर इन्हों की जी वेवलेंथ है वो अराउंड 10^-14 to 10^-1 मीटर तक भी होंगी है। तो ये जी रेंज है इन्हों की वेवलेंथ रेंज, और जदों भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलीमेंट डिसइंटीग्रेट करता है डॉटर न्यूक्लियस जिहड़ा वा वो बनता है जिहड़ा कि एक्साइटेड स्टेट दे विच आ जाता है। फिर जदों जिहड़ा डॉटर न्यूक्लियस है वो तुहाडा ग्राउंड स्टेट भी जदों आता है तो फिर गामा रे मिशन जिहड़ी आ वो साडे कोल हुंदी है। तो गामा रे जिहड़ी आ वो मैटर दे नाल उहदी जिहड़ी इंटरैक्शन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बाकी तुसी पहले जिन्हें भी पढ़े ने पार्टिकल्स भावें कि तुसी हैवी पार्टिकल्स पढ़े ने या फिर तुसी इलैक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स पढ़े ने दे आर ऑल चार्ज्ड पार्टिकल्स, बट गामा रेज जिहड़ियां ने इन्हां दे उपर कोई चार्ज नहीं या न्यूट्रल नहीं इलैक्ट्रिकली। तो इन्हां दी विच एक ये बहुत वड्डी प्रॉपर्टी है कि इन्हां दी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैगी है। तो एनर्जी ज़्यादा होने कारण ये जेड़े ने अलग तरीके दे नाल जेड़ा ये बिहेव कर दिया ने, ये ज़्यादा जेड़ा वा वो पेनीट्रेट जेड़ा वा वो कर दिया ने गामा रेज। तो थ्री डोमिनेंट मोड्स ने इन्हां दी इंटरैक्शन दे, फर्स्ट मोड इज़ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, द सेकंड इज़ कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड द थर्ड इज़ पेयर प्रोडक्शन। सो फर्स्ट फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट यू आर वेल नोन विद दैट इफेक्ट के जदों भी कोई गामा रेज है या फिर कोई भी एनर्जी है सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जी है जदों असी किसी एटम के उपर पाने अबजॉर्ब कराने मोस्टली मैटल्स जिन्हों का वर्क फंक्शन घट हो जदों वो अबजॉर्ब करती है तो उदों जिहड़ा वा वो इन्नी एनर्जी सफिशेंट हो जाती है भी उन्होंने आउटर ऑर्बिट चों जस्ट बाहर निकाल सके। तो वैन द एनर्जी इज मे बी सफिशेंट टू लिबरेट एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन एट ऑर्बिट विच इज़ सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, सो इन दैट केस द गामा रे एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलैक्ट्रॉनिक एनर्जी, सो दैट इज़ इलैक्ट्रॉन क्योंकि वो यूज़ की हुई है इलैक्ट्रॉन बाहर निकालन से। तो उस तरह की जी अब्जॉर्प्शन है उन्होंने असं बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन। तो गामा रेज और उपर स्ट्राइक हुई जेडे उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की अबजॉर्ब करके जो इलैक्ट्रॉन है उन्होंने बाहर निकालिया। तो इनू जेड़ा वा इफेक्ट नू ए असी इस तरीके नाल लिख सकते हैं भी गामा रेज इधरों आईयां ने और इन्होंने लिबरेट करते इलैक्ट्रॉन्स, सो दिस इफेक्ट इज़ द फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। द नैक्सट इफेक्ट इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट दे विच ए भी तुसी तुहाडी वैल नोन आ कि जिहदे विच जिहड़ियां दो जिहड़ियां रेडिएशनस ने एक मॉडिफाइड रेडिएशन और एक अनमोडिफाइड रेडिएशन जिहड़ियां सानूं मिलदियां ने, इनफैक्ट दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द क्वांटम मकैनिक्स। सो इहदे विच ये है कि गामा इन दिस केस द एनर्जी गिवन बाय द गामा रे इज़ मोर दैन द एनर्जी रिक्वायर टू लिबरेट। अगर इलैक्ट्रॉन लिबरेट करने तो भी ज़्यादा हैगी है तो फिर सानू इलैक्ट्रॉन तो मिलेगा मिलेगा वो नाल एक फोटोन भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा फोटोन भी मिल जाता है। तो वो जो फोटोन है वो जी एनर्जी है उस तो सेम भी हो सकती है तो चेंज भी हो सकती है, जिन्होंने असी अनमोडिफाइड रेडिएशन पढ़ते होंगे सके कॉम्पटन शिफ्ट असी पढ़ते होंगे सके जिहड़ी कि बेसिस हैगी है तुहाडी क्वांटम थ्योरी दा जिहदे विच तुसी कोलिजन जिहड़ा वा उहनूं कंसिडर करके ही तुसी कॉम्पटन इफेक्ट नूं एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इन दैट वे इथों लाइट दा जिहड़ा वा तुहानूं वेव करैक्टर दे नाल नाल तुहानूं जिहड़ा पार्टिकल करैक्टर जिहड़ा वो देखण नूं मिलदा है कॉम्पटन इफेक्ट विच। तो नैक्सट थिंग इज़ इलैक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। तो ये भी हो सकता वा कि जिवें असी हुने पिछे पढ़िया सीगा इलैक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनहीलेशन तुसी पढ़ी सी कि जिहड़ा पॉजिट्रॉन इलैक्ट्रॉन दोवें मिलके उन्होंने गामा रेज जिहड़ियां ने वो बाहर निकाल दित्तियां और जिहड़े फोटोनस ने उन्होंने अलग अलग डायरेक्शनस रखे तां कि एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा वो कंजर्व हो सके। इत्थे इस चीज़ का उल्टा है, इत्थे की हो रहा है कि गामा रे अबजॉर्ब हो रही है एटम जिहड़ा अबजॉर्ब कर रहा है जिहदे उपर फॉल कर रही है और एनर्जी जिहड़ी आ वो लिबरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन। सो एक पेयर जिहड़ा वा इत्थे जिहड़ा वा कह लो भी बनता पिया साडे कोल। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ी एनर्जी है बट एक दे विच इंपॉर्टेंट गल ये आ भी जिहड़ी पेयर प्रोडक्शन है वो नहीं होएगी। कदों नहीं होएगी? जदों गामा रेज एनर्जी इन्नी एनर्जी तो घट है। देखो रेस्ट मास एनर्जी तो सानू चाहिए है ना मिनिमम,
तो साढ़े को एनर्जी जी है वह जिमें साढ़े को आ गई साढ़े को एनर्जी की वैल्यू होंगी है एम नॉट सी स्क्वेयर ये तो तुम्हें पता ही है यू आर वैल नोन विद दिस फैक्ट ये आइंस्टाइन दे जो एनर्जी मास इक्वलेंस वो तो अभी देख रहे हैं तो एम नॉट इतने एम ई लिखना चाहिए इनफैक्ट मास ऑफ इलैक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटोन तो इतने तुम मास ऑफ इलैक्ट्रॉन लिखो उन्होंने 3 × 10^8 दे नाल तुसी उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो और फिर उन्होंने डिवाइड करो इलैक्ट्रॉन वोल्ट नाल एंड यू विल गैट 0.51 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस इज़ द रेस्ट मास एनर्जी फॉर द इलैक्ट्रॉन हूँ क्योंकि इतने साढ़े को पेयर प्रोडक्शन होनी है दो जो चीज़ा ने निकलनिया ने सेम मास दियाँ इलैक्ट्रॉन भी तो पॉजिट्रॉन भी तो उस टाइम तो सानू इस एनर्जी का डबल एनर्जी चाहिए है सो यी प्रोडक्शन है पेयर प्रोडक्शन उदों ही होंगी है जदों गामा रेज की एनर्जी इस एनर्जी तो ज़्यादा होंगी है ठीक है पेयर प्रोडक्शन इस एनर्जी तो घट विच नहीं हो सकता फिर बाकी जो दो इफेक्ट ने वो थोड़े ज़्यादा उस टाइम पर प्रोमीनेंट तुहानू मिलेंगे।